Hello everyone, welcome to my class. Today I teaching you 4th standard chapter number 13, a reverse journey. Look at this picture of the river. Read verse given below. आज हम देखेंगे रिवर्स की जर्नी. रिवर्स की जर्नी कैसे होती है और कहाँ से होती है वो हम आज देखेंगे. और रिवर्स में क्या क्या यानी फिश वगैरह रिवर्स कहाँ से जाती है माउंटेन से लेकर वो आज हम स्टडी करेंगे. लुक एट दिस पिक्चर ऑफ द रिवर्स. बोट कहाँ पे दिखाई दे रही है आप लोगों को. सी द बोट्स. देखो सी द बोट. दिस इज बोट एंड फ्लोइंग वाटर. माउंटेन से लेकर रिवर कहाँ से ऐसे जा रही है. दिस इज रिवर. माउंटेन से लेकर रिवर जा रही है ऐसे. फिर हमको वहाँ पे क्या क्या दिखाई दे रहा है पिक्चर में. जैसे कि क्लाउड्स. देखो ये क्लाउड्स दिखाई दे रहे हैं ना. ये क्लाउड्स. उसके बाद क्लाउड और फिश. फिश रिवर में फिश दिखाई देते हैं सबको पता ही है. फिश ये देखो ये फिश दिखाई दे रहे हैं. फिर ये स्वान दिखाई दे रहा है. ऐसे हमको एक्वेटिक प्लांट भी दिखाई दे रहे हैं. अभी ये सब एक्वेटिक प्लांट्स. देखो ये बहुत छोटे छोटे हैं. ये है एक्वेटिक प्लांट्स. उसके बाद रिवर. रिवर बिग बोट. बिग बोट कहाँ पे दिखाई दे रही है आप लोगों को. सी द पिक्चर. दिस इज अ बिग बोट. उसके बाद दिखाई दे रहा है ऑयल. ऑयल कहाँ पे दिखाई दे रहा है आप लोगों को. दिस इज अ ऑयल टैंक. दिस इज अ ऑयल. उसके बाद रिवर बैंक. ये है रिवर बैंक. फैक्ट्रीज. फैक्ट्रीज कहाँ पे दिखाई दे रही है आपको. सी पिक्चर. सी द पिक्चर. दिस इज अ फैक्ट्री. उसके बाद वॉशिंग क्लोथ्स. एक लेडी यहाँ पे दिखाई दे रही है जो कि वॉशिंग क्लोथ्स यू वॉश कर रही है रिवर के साइड में. देखो इस लेडी को देखो यहाँ पे वो क्लोथ्स वॉश कर रही है. एनिमल्स. एनिमल्स पानी पीने के लिए रिवर के पास जाते हैं ना. तो यहाँ पे एनिमल्स भी हमको दिखाई दे रहे हैं. दिस इज सी द पिक्चर. देखो ये एनिमल्स. एनिमल्स यानी कौन कौन भी. देखो पानी हम खाना खाते हैं तो पानी पीने के लिए जाते ही ऑलवेज. तो एनिमल्स कहाँ पे जाते हैं. रिवर के पास पॉन्ड के पास लेक्स जहाँ पे होते हैं वहाँ पे एनिमल्स पानी पीने के लिए जाते हैं. तो उसमें बहुत सारे एनिमल्स जाते हैं जैसे कि बफेलोज काउज गोट्स ऐसे. अदर वर्क्स बहुत सारे. देखो यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं फॉल स्मेल. ये फॉल स्मेल है. ये सब क्या है. रिवर्स की जर्नी है. यहाँ पे हमको माउंटेन्स दिख रहे हैं. यहाँ से लेकर ऐसे रिवर्स गई है माउंटेन्स के माउंटेन्स में से. फिर वहाँ पे साइड में फैक्ट्रीज दिख रही है. फिर उसके बाद हम न्यू टॉपिक देखेंगे. हाउ डज़ वाटर बिकम डर्टी. फिर रिवर्स का जो वाटर होता है वो कैसे डर्टी होता है. फिर वाटर कैसे डर्टी होता है उसके बारे में अभी हम देखेंगे. यू सॉ इन द पिक्चर दैट एज रिवर फॉलोड नियर मेनी विलेजेस टाउन्स एंड सिटी. आपने देखा है कि रिवर्स मेनी बहुत सारे विलेजेस में से विलेजेस में से जाती है टाउन्स में से जाती है और सिटीज़ में से भी जाती है. द पीपल यूज द रिवर वाटर फॉर डिफरेंट पर्पजेस. और पीपल रिवर का जो वाटर होता है वो डिफरेंट डिफरेंट पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं. लाइक वॉशिंग क्लोथ्स बाथिंग एनिमल्स एंड क्लोथिंग क्लीनिंग यूटेंसिल्स. आपने देखा है कि पीपल्स वॉशिंग क्लोथ्स यानी कपड़े धोने के लिए यूटेंसिल्स साफ करने के लिए और बफेलोज की यानी काऊ बफेलो ऐसे अदर एनिमल्स हैं उनको वॉश करने के लिए भी लेके जाते हैं रिवर पे. दस द रिवर इज़ नॉट अ सेम लाइक व्हेन इट इज़ वॉज द बिगिनिंग. मेनी ऑफ दिस एक्टिविटीज़ मेड द वाटर डर्टी. ऐसे बहुत सारे एक्टिविटीज़ है उससे
वाटर क्या होता है, डर्टी होता है, रिवर्स भी डर्टी होती है. द वाटर इन द रिवर केप्ट इन चेंजिंग एज फॉलोड थ्रू द वेरियस प्लेसेस. वॉट इज पॉन्ड एंड लेक कैन ऑल्सो बिकम अ डर्टी सिमिलर रीजन. वाटर पॉन्ड जो भी है वो कैसे डर्टी होते हैं, दिस इज सिमिलर रीजन. क्योंकि बहुत सारे ऐसे लेडीज होती है, बहुत सारे ऐसे ये होता है कि वो लोग वहाँ पे क्लोथ्स वॉश करने के लिए चले जाते हैं, फिर एनिमल्स को बाथिंग करने के लिए लेके जाते हैं, यूटेंसिल साफ करने के लिए लेके जाते हैं. चलो अभी आज हमने रिवर्स की जर्नी कैसी होती है उसके बारे में हमने देखा, तो आपको समझ में आया. चलो थैंक यू, बाय एवरीवन.